एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ने में कमजोर है, रोज स्कूल जाता है। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटा तो घर लौटने के बाद उस बच्चे ने अपनी मां के हाथ में एक पत्र दिया। मां ने पत्र खोला, बोले बेटा ये बताओ ये पत्र किसने दिया है? बोले प्रिंसिपल ने यह पत्र दिया है कि जाओ ये पत्र अपनी मां को दे देना। मां ने पत्र खोला, जैसे ही पत्र पढ़ा आंखें छल छल आ गईं आंसुओं से। बच्चे ने पूछा कि मां ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? बोले कुछ मत पूछ बेटा। बोले ऐसा क्या लिख दिया कि तेरी आंखें भर आईं? मां ने कहा कुछ नहीं, तू चिंता मत कर। बच्चे ने कहा कि मां तू रोएगी तो मेरे भी आंसू आएंगे, बता इस पत्र में क्या लिखा है? बोले बेटा इस पत्र में लिखा है कि तेरा बेटा बहुत होशियार है, तेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, तेरे बेटे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं, और हमारे स्कूल का स्तर बहुत नीचा है, हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए मोहतरमा हम आपसे ये कहते हैं कि अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाओ। बच्चे ने कहा मां ये मेरे प्रिंसिपल ने लिखा है? बोले हां। ठीक है बेटा, आज से स्कूल नहीं जाना, मैं तुझे घर में पढ़ाऊंगी। भाई घर में पढ़ाती है लिखाती है, स्कूल जाना बंद कर देती है। तू किसी स्कूल में नहीं जाएगा, ये मां तुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएगी। मालूम है कौन था वो बच्चा? मालूम है जो स्कूल नहीं गया। समझ देखो उस मां की, वो बच्चा स्कूल नहीं गया, थॉमस अल्वा एडिशन। यदि आज वो नहीं होते ना तो आज ये रोशनी में पंडाल नहीं नहा रहा होता। ध्यान रखिए, उस बच्चे ने मां से शिक्षा प्राप्त की और उसके दिमाग में आया कि अंधेरी दुनिया में रोशनी कैसे भर सकता हूं। कांच के बल्ब में जिसने रोशनी भर दी वो थॉमस अल्वा एडिशन। मान्यवर मैं कोई पुराने उदाहरण नहीं सुना रहा हूं, उस बच्चे ने वो लगन से काम किया, एक दिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन करके खड़ा हो जाता है। जब वैज्ञानिक बन के खड़ा हुआ उसकी मां दुनिया से चल बसी। जब लौट के एक दिन वो अपने घर में आया, श्रेष्ठतम वैज्ञानिक बन के साइंटिस्ट बन के जब लौटा, घर की सफाई कर रहा था, अलमारी में पत्र मिला, वही पत्र जो कभी प्रिंसिपल ने दिया था। उस पत्र को खोल करके थॉमस अल्वा एडिशन ने पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि मोहतरमा आपका बच्चा दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा है, इसके जैसा मूर्ख इंसान धरती पर नहीं होगा, और हम इसे अपने यहां नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इसे अपने घर में पढ़ाने का प्रयास करिए। जैसे ही देखा उसने, मैं दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा, मैं पढ़ लिख नहीं सकता हूं, और मेरी मां ने तो मुझे कुछ और कहा था, मेरी मां ने तो कहा था तू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। उस देश ही उसने पढ़ा, आंखों से आंसू झर झर जार जार आंसू गिरने लगे। उसने कहा मेरी मां इतना बड़ा ज्ञान एक मां के सिवा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। उस मां ने शब्दों को बदल दिया। शब्दों को क्या बदला? यदि मां शब्द नहीं बदलती तो उनका बेटा गांव का गंवारिया बन करके रह जाता। मां का विश्वास था कि स्कूल इसे भले ना पढ़ा पाए लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगी। और उस मां ने शब्द बदल के अपने बेटे को विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना करके खड़ा कर दिया। ये शब्दों का खेल है। मान्यवर आपसे निवेदन है, शब्दों पर ध्यान दीजिए। यदि मां भी प्रिंसिपल के शब्दों पर गौर करके उस बच्चे को डांटती फटकारती तो बच्चा आज इतना महान नहीं बनता
कि कोई पुलक सागर अपनी प्रवचन सभा में उसका नाम ले रहा होता। ध्यान रखिए, ये शब्दों का खेल है। आपके शब्दों से आपका बच्चा नीचाई के रास्ते पर जा सकता है और आपके शब्दों से आपका बच्चा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। माने केवल शब्द बदले थे, शब्दों की ताकत बता रहा हूं मैं। यही शब्द आदमी को आत्महत्या के लिए मजबूर भी कर सकते हैं और यही शब्द स्वर्ग धरती पर उतारने की भी ताकत रखा करते। शब्दों पर ध्यान दीजिए, बोलना सीखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, हमारा बेटा है, इसे बोलने का सलीका नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि महाराज, जरूर मैं बोल देता हूं, लेकिन बाद में मुझे बहुत एहसास होता है, मैं क्या करूं महाराज, मुझे कुछ बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा, मैं तुझे एक चीज बताता हूं बेटा, एक काम करना, जब भी आवेश में तेरे मुंह से खराब शब्द निकले, बस एक काम करना, मैं तुझे नियम नहीं दूंगा। मैं पुलक सागर वैसे भी किसी को नियम नहीं दिया करता हूं। मैंने कहा, बस एक काम करना, जब भी तेरे मुंह से अपशब्द निकले, लकड़ी की एक बोर्ड में कील ठोंक देना और देखना कि आज दिन भर में कितनी कील ठोंकी है मैंने, सुबह से शाम में कितनी कील ठोंक पाया हूं मैं। उसने कहा, इससे क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, बस तू कील ठोंका कर। उसने कहा, ठीक है, ये काम तो मैं कर दूंगा, जब भी जुबा से अपशब्द निकले कील ठोंकना। कहते पहले दिन उसने 50 कील ठोंक दी, दूसरे दिन उसे लगा कि आज मैंने दिन भर में 50 अपशब्द बोले, कल कम करूंगा। दूसरे दिन 40, और जब बच्चे ने उस बोर्ड को देखा तो कील तो नहीं थी पर निशान बाकी थे। मैंने बच्चे से कहा कि बेटा, तूने कील तो छोड़ दी, कील ठोंकना तो बंद कर दी, इन निशानों का क्या होगा? बोले, क्या मतलब? मैंने कहा, जब तू अपशब्द बोलता है और उसके बाद माफी मांग लेता है, क्षमा मांग लेता है, तू कील तो निकाल लेता है पर लोगों के दिलों में निशान तो छोड़ दिया करता है। बस इस निशान को मिटाने का प्रयास कर मेरे बच्चे, मेरे का जीवन को बदलना है। माफी मांगने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, कितना भी बोल दो सॉरी अब हम नहीं करेंगे, दो दिन बाद फिर वही करता है आदमी। ध्यान रखना, कील निकालने से कुछ नहीं होता, निशान बहुत गहरे हुआ करते हैं। एक बात याद रखना, ये शब्द कील की तरह चुभते हैं लेकिन जब निकलते हैं तो अपना निशान छोड़ करके चले जाते हैं और रिश्तों को तहस नहस कर देते। ध्यान रखिए, जब भी बोलो आप शब्द, क्या होता है, हर पर्युषण के बाद क्षमावाणी मनाते हो, संवत्सरी मनाते हो, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, निशान का क्या होगा जो छोड़ दिए हैं चेतना पर? ध्यान रखिए मान्यवर, बोली को संभालने का प्रयास करिए। आपसे निवेदन है, अरे लकड़ी के निशान तो फिर भी मिट जाएंगे किसी कारपेंटर के पास, लेकिन चेतना के निशान नहीं मिटा करते हैं। आपसे यही कह रहा हूं, शब्दों को संभालो। ज्ञान गंगा की शुरुआत है, शब्दों से शुरुआत है और शब्दों पर खत्म होगी। आपसे निवेदन है, इंद्रप्रस्थ और खंडप्रस्थ की कहानी मालूम है ना आपको? पांडवों को खंडप्रस्थ दिया दुर्योधन ने, संधि के लिए पहुंचे नारायण श्री कृष्ण। हे धृतराष्ट्र, हे हस्तिनापुर नरेश, ये पांडव भी तुम्हारे ही वंश, इन्हें ज्यादा नहीं थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दो। धृतराष्ट्र हकीकत में कहा जाए तो उसकी बाहर से नहीं फूटी थी, भीतर से भी फूटी हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे केशव, पांडवों को जमीन मैं भी चाहता हूं, वो मेरे अनुज के पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, सुई की नोक की बराबर भी जगह देने को मैं तैयार नहीं हूं। कृष्ण ने कहा,
संधि का प्रस्ताव लाया हूं, दे दो, क्या बिगड़ता है, पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा है, आर्यावर्त तुम्हारा है, छोटा सा स्थान दे दो। कुटिल दुर्योधन ने जानते हो ऐसा स्थान दिया जहां ना बरसात होती ना पानी बरसता, ना कभी ठंडी हवाएं आती ना फसलें लहराती, उबड़ खाबड़ ककरीला पत्थरों वाला एक खंड प्रस्थ दे दिया, ले जाओ इसे भीख में, दे देना उन पांडवों को, दे दिया। ध्यान रखना, एक बात याद रखना सूरत वालों, कि आदमी अपने जीवन में कितना भी बुरे से बुरे स्थान पर पहुंच जाए, आदमी की भुजाओं में ताकत होती है ना, तो रेगिस्तान को मरुथल मरुस्थल बनाने में, रेगिस्तान को मरुद्यान बनाने में देर नहीं लगा करती है। खंड प्रस्थ दे दिया, पांडवों ने स्वीकार कर लिया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, हस्तिनापुर फीका लगने लगा, सारे लोग जाकर के खंड प्रस्थ को देखते, जैसे ही देखते तो कहते वाह पांडवो, खंड प्रस्थ बन मिला और इंद्र प्रस्थ बना करके रख दिया। इतना सुंदर आपको कहानी मालूम है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं, इतना खूबसूरत महल बनाया, कैसा आर्किटेक्ट रहा होगा वो, आज के नहीं है इतने अच्छे, वो अनपढ़ जिनके पास डिग्रियां नहीं, ऐसा स्थान बनाया जहां सूखा होता था वहां पानी होता था, और जहां पानी दिखता था वहां सुख। दुर्योधन ने भी कहा चलो भाई सारी दुनिया जा रही है, हम भी चलकर देखते हैं क्या बनाया है उन लोगों ने, चलो देखते हैं। दुर्योधन गया, क्या देखता है, महल देखकर आंखें फटी की फटी रह गई, कौन सा बंजर भूमि मैंने दी थी स्वर्ग जैसा बना लिया, और क्रोध की अग्नि में घी डल गया। दुर्योधन ने कहा ऐसा क्या किया इन मायावियों ने, अंदर जाकर के देखा जहां पानी था, धोती पकड़ के चल रहा है दुर्योधन, भीग ना जाऊं कपड़े ना गीले हो जाए, आगे बढ़ा, जब देखा तो पानी खत्म है, और जैसे ही देखा खतरा टल गया, धोती चढ़ी चलते जा रहा है, असावधानी हुई पैर फिसल गया, छपाक से